हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टिप्स देने जा रहा हूँ जिस पे अमल करते हुए आपकी कभी भी डेटा चोरी नहीं होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स, पहली टिप ये है कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पर, तो इंस्टॉल करने के दौरान वो आपसे कुछ परमिशंस मांगता है। सपोज़ स्टोरेज की परमिशन मांगता है, कॉल करने की परमिशन मांगता है, टेक्स्ट रीड करने की परमिशन मांगता है, लोकेशन की परमिशन मांगता है। ये आप जब देते हैं तो फिर आप उनको एक अथॉरिटी देते हैं कि वो आपकी डेटा को रीड कर सके, तो ये आपकी मजबूरी भी होती है। अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ परमिशंस लाजमी देनी पड़ती हैं, अगर वो नहीं दोगे परमिशन तो वो ऐप इंस्टॉल नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो जिस पे आपको केयरफुल रहना है वो ये है कि आपने कभी भी जो ऐप स्टोर है उससे बाहर किसी इंटरनेट से या किसी वेबसाइट से कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल नहीं करना है। अगर जब तक आपको उस वेबसाइट पर ट्रस्ट ना हो तो वो वेबसाइट्स उन एप्लीकेशंस की कोडिंग चेंज करके इस तरह से कोडिंग करते हैं कि आपकी डेटा को कॉपी किया जा सके। उसके अलावा गेम्स तो कभी भी ना इंस्टॉल करें, क्योंकि गेम्स की जो साइज़ होती है वो बहुत ही बड़ी साइज़ की गेम्स होती हैं, एक दो दो जी बी तक होती हैं, तो उसमें ये होता है कि वो अपने आप में इतनी एक कोडिंग रखते हैं कि वो एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं, और वो सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि वो आपकी पूरी मोबाइल को हैक करते हुए आपको प्रॉक्सी बनाते हुए एक क्लोन बनाते हैं, जिसके थ्रू वो कहीं दूसरी जगह पे बैठ के इलीगल जो है काम करते रहते हैं। सपोज़ कोई भी जितने भी गलत जो काम होते हैं, वो मंशियात इलीगल वगैरह होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, तो ये भत्ताखोरी वगैरह होती है, ये सारे काम जो है ना वो उन ऐप्स के थ्रू होते हैं। तो इस हवाले से आपको बहुत ही खबरदार रहना पड़ेगा। नंबर दूसरी टिप, आप जब अपने बच्चों को वाईफाई की शेयर करते हैं, उनको लगा के देते हैं, तो ये आप समझते हैं कि बस आपकी जो इंटरनेट जो आपके मोबाइल की इंटरनेट है वो सिर्फ आपके बच्चे यूज़ कर रहे हैं, ये आपकी गलत फहमी है। जब आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट ओपन करते हैं तो आपके आसपास जितने भी होते हैं लोग, वो आपकी उस हॉटस्पॉट को एक्सेस कर सकते हैं अगर आपका हॉटस्पॉट ओपन होगा। तो ये लाजमी है कि उस हॉटस्पॉट पर कोई की लगाना चाहिए, ना सिर्फ की लगाना चाहिए बल्कि आपने अपने हॉटस्पॉट को हिडन रखना है। तो ये कैसे हिडन किया जा सकता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि कैसे अपने वाईफाई नेटवर्क को या कैसे अपने हॉटस्पॉट को हिडन रखा जाए ताकि पड़ोसी हैं जो दूसरे लोग हैं वो आपके मोबाइल की हॉटस्पॉट को यूज़ ना कर सकें। तो होता यह है कि लोग सिर्फ आपके इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसे एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं जिसके थ्रू आपके वाईफाई की चुरा के आपके डेटा भी चोरी कर लेते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो डेटा कॉपी करते हैं, तो आपकी जितनी भी डेटा मोबाइल के अंदर पड़ी हुई है वो इस हवाले से गैर महफूज है। तो तीसरा टिप, कभी भी जो पब्लिक नेटवर्क्स होते हैं, जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं, उनको कभी भी यूज़ ना किया करें। जैसे बस स्टैंड में जाके आप जो वाईफाई यूज़ करते हैं, या किसी भी इदारे के अंदर बैठे हुए हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी हो गई या कॉलेज हो गया, तो ये होता है कि आप जितनी भी वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं या कुछ भी ओपन करते हैं, वो सारी की इंफॉर्मेशन जो बैठा हुआ है, जो होस्ट होता है, जो हॉटस्पॉट चला रहा होता है, वो देख सकता है। और उसके अलावा वो आपके डेटा को भी चोरी कर सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो आपके डेटा को हैक कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसे जो नेटवर्क्स होते हैं, स्पेशली जो केबल नेटवर्क्स भी होते हैं, वो भी बहुत ही अनसेफ होते हैं, आपकी डेटा चुरा सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि डायरेक्ट जो है मोबाइल कंपनी से आप अपना कनेक्शन लें और वो यूज़ किया करें। टिप नंबर फोर, हमेशा अपने मोबाइल की कैमरा को या उसकी जो माइक है उसको आप हमेशा हाइड करके रखें, इसलिए कि जितने भी आपने सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए हुए हैं तो काफ़ी सॉफ्टवेयर्स को आपने अपने कैमरा की एक्सेस दी हुई है, तो वो आपकी जितनी भी एक्टिविटी हो रही है कमरे के अंदर, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो उन एक्टिविटीज़ की वो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग ले सकता है और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को वो कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी ऐसी जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनकी जो कैमराज के थ्रू वीडियोस, वो घर की वीडियोस रिकॉर्ड करके किसी वेबसाइट्स पे लगा दी जाती है। ये इसलिए होता है कि उन्होंने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए हैं अपने मोबाइल के अंदर, उन्होंने कैमरा परमिशन दी हुई है कि वो ऐप कैमरा से कोई भी रिकॉर्डिंग ले सकता है। तो इससे बचने के लिए लाजमी है कि आप अपने जो फ्रंट और जो बैक कैमरा है
उसको आप हाइट रखें, और उसके साथ साथ जो आप स्टैंड जो होती है जो रूम के अंदर जिस पे आप अपने मोबाइल लगा के छोड़ देते हैं वो तो बहुत ही ख़तरनाक होती है, उसमें से तो ईजीली सारे रूम की जो एक्टिविटी वो रिकॉर्ड हो सकती है, तो आप बच रहे। टिप नंबर 5, हमेशा अपने मोबाइल का जो मेमोरी कार्ड है उसे अनमाउंट करके रखें, क्योंकि जब आप माउंट करते हैं तो उसमें अंदर पड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो उसे अनमाउंट करने का ये फ़ायदा है कि आपके जितने भी फाइल्स मेमोरी कार्ड के अंदर पड़े हुए हैं वो एटलीस्ट बचे रहेंगे वो कॉपी होने से या चोरी होने से। टिप नंबर 6, हमेशा जब भी आप अपने मोबाइल से कोई भी फ़ोटो लेते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हमेशा स्टोरेज लोकेशन होती है उसको चेंज कर दें, मेमोरी कार्ड कर दें, क्योंकि जो फ़ोन मेमोरी की लोकेशन होती है इससे ये होता है आपकी जितनी भी डेटा है वो आपके फ़ोन मेमोरी के अंदर सेव होती है, और ये होता है कि जब आप अपनी मोबाइल को बेचते हैं तो फिर उसके अंदर जो उतनी भी डेटा हालांकि वो आपने डिलीट कर दी है फिर भी वो रिकवर हो सकती है, तो कोशिश करें कि अपनी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स लेते हैं वो डायरेक्टली अपने मेमोरी कार्ड के अंदर लें और उस मेमोरी कार्ड को अनमाउंट करके रखें। टिप नंबर 7, कभी भी आप अपने मोबाइल को मार्केट में या कहीं और जगह पर बेचें मत, आप उसे अपने घर में ही रख दें, उसे आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट मकासद के लिए, अपने बच्चों को दे सकते हैं उसको वो यूज़ करें, मगर आप उसको कभी भी ना बेचें, ना ही मोबाइल अपनी बेचें और ना ही हार्ड डिस्क जो मेमोरी कार्ड वगैरह होते हैं वो भी कभी भी ना बेचें, क्योंकि उनमें से डेटा जो रिकवर हो सकती है। टिप नंबर 8, हमेशा अपनी फ़ोन मेमोरी और मेमोरी कार्ड को दोनों को इनक्रिप्ट करके रखा करें, क्योंकि जितनी भी आपकी डेटा इनक्रिप्टेड होती है वो इनकोडेड होती है, उसको अगर कोई रिकवर कर भी ले तो उसको समझ नहीं आएगी। डेटा को इनक्रिप्ट करना लाजमी भी है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपकी मोबाइल चोरी हो सकती है या फिर वो कहीं पे डैमेज हो के ख़राब भी हो सकती है, जब आप अपने मोबाइल को रिपेयर करने के लिए जाते हैं तो फिर ये होता है कि जो रिपेयर करने वाला होता है वो आपकी सारी डेटा को वो चोरी कर लेता है और उसके बाद उसको अपने किसी मखसूस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसे स्कैंडल्स हुए हैं, तो आप कोशिश करें अपनी मोबाइल को प्रोटेक्ट करें, और इसका यही बेहतरीन तरीका है कि आप हर मंथ यानी मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अपने डेटा को इनक्रिप्ट करें, और ये बहुत ही आसान है, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टिप नंबर 9, अपने मोबाइल को फाइंड माई मोबाइल यूटिलिटी जो है वहाँ पर रजिस्टर करें, इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आपके मोबाइल कहीं पर चोरी हो जाएगी एक तो उसको सर्च करने में आसानी होगी, और उसके अलावा आप रिमोटली दूर बैठ के उस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं, और जितनी भी डेटा उसके अंदर पड़ी है उसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, आप अपनी मोबाइल को एक तो ट्रेस कर सकते हैं और उसके अलावा आप अपने मोबाइल को लॉक कोड भी लगा सकते हैं। टिप नंबर 10, जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं तो उस वक्त तो कभी भी आप अपने मोबाइल को जो कोड है वो लगा के ना खोलें, उसके सामने आप फिंगरप्रिंट स्कैनर के थ्रू अनलॉक करें ताकि आपके दोस्तों को आपके मोबाइल का कोड मालूम ना हो सके, क्योंकि वो आपकी फिंगर जो मूवमेंट है उसको देखकर आपका कोड वो मालूम कर सकते हैं। टिप नंबर 11, जब आप अपने मोबाइल को अनलॉक करते हैं या आप अपने कंप्यूटर को जब खोलते हैं तो हमेशा जब आप कोड लगाते हैं या पासवर्ड लगाते हैं तो हमेशा अपनी उंगलियों के ऊपर अपना हाथ रख के वो कोड लगा करें, क्योंकि इससे ये होता है कि एक तो आसपास जो दोस्त होते हैं आपके वो आपकी फिंगर को आपकी मूवमेंट को फिंगर मूवमेंट को या आपके कोड को देख नहीं पाएंगे, और उसके अलावा पब्लिक जगह पे जो सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं वो भी आपकी फिंगर मूवमेंट या आपके पासकोड को या पासवर्ड को वो देख नहीं पाएंगे, खासकर आप जब जो क्रेडिट कार्ड है उसका कोड लगाते हैं या कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो आप लगा रहे होते हैं तो वो आपकी हैक हो सकती है। टिप नंबर 12, कभी भी आप अपने मोबाइल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड होता है उसके अलावा कोई दूसरा जो थर्ड पार्टी जो कीबोर्ड होता है जो आपकी नेटिव लैंग्वेज में है वो आप कभी भी यूज़ ना करें, इसका नुकसान ये होता है कि आप जितनी भी जो भी टाइप करते हैं मोबाइल के अंदर वो सारा कुछ वो अपने पास सेव करता रहता है, जितने भी कीज़ होते हैं वो जितने भी आप टाइप करते हैं वो आपकी ईमेल्स होगी आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन होगी आपकी जितनी भी चैटिंग दोस्तों के साथ पर्सनल जो करते हैं आप वो सारी वो ऐप जो है सेव कर लेता है और उसको किसी दूसरी जगह पे वो इन्फॉर्मेशन को सेल कर सकता है, स्पेशली जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ हैं उनको वो बता सकता है कि आपको कौन सी बीमारी है आपके क्या मामला चल रहे हैं आजकल, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए लाजमी है कि आपके मोबाइल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है आप उससे ही यूज़ करें,
और आप अपना काम चलाएं। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहरबानी।